नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला डॉक्टर नितीश कौरा। मैं डॉक्टर नितीश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शनी। आई एम डॉक्टर प्रियदर्शनी, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट। Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. Dr. Nilesh Patil, जो कि general laparoscopic surgeon. मैं Dr. Nilesh Patil, general laparoscopic surgeon, and for you मैं कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर surgery related सारी बीमारियों का इलाज होता है। Laboratory facilities, जो कि हमारे lab head Dr. Anand Jaiswal एक क्या करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। नमस्कार, मैं असलम न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने नेहरू युवा केंद्र के सहकारिता के साथ आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में अंडमान महिला मंडल हॉल में पेंटिंग एंड ड्राइंग कंपटीशन आयोजित की टूरिज्म एंड पीस थीम के साथ। तो चलिए सीधा बात करते हैं अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन यानी एंटोवा के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी से, जानते हैं उनसे ही इस प्रतियोगिता के बारे में उन्हें क्या बताना है। जय हिंद सर। नमस्कार, न्यूज अंडमान 24/7 आप सभी जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, और अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन वर्ल्ड टूरिज्म डे के क्वेश्चन के प्लग में हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम यहाँ पर अंडमान महिला मंडल हॉल में जो हमारे जो निर्वयक युवा केंद्र के साथ उनके सहयोग के साथ में ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन रखा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हर एक साल हम लोग टूरिज्म डे वर्ल्ड टूरिज्म डे में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो इस बार हम लोग ने ड्राइंग कंपटीशन है, बहुत सारे छोटे बच्चे लोग, बड़े बच्चे लोग और सारे अतिथिगण सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा जो टीम है, पूरा टीम बढ़ चढ़ कर इसको पूरा सहयोग और सपोर्ट किया। हर एक इवन मेंबर में सेक्रेटरी से लेके पूरे वाइस प्रेसिडेंट सारे जितने भी यहाँ पर आए, जो भी एसोसिएशन के हमारे जो 35 मेंबर्स हैं सभी इसमें अपना योगदान दिया है, पार्टिसिपेट किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों लोगों को भी हम लोग मोटिवेट करें कि कुछ ना कुछ, ये जो हमारा जो इस बार का जो थीम मिला है टूरिज्म एंड पीस, तो टूरिज्म में कैसा उसको पीस में लाना है वो थीम के सभी एक ड्राइंग का जरिए बच्चे लोग से ड्राइंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन कराया है। अभी थोड़ी देर में उसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। तो उसमें बच्चे लोगों को, जितने भी बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ जो पेरेंट्स, उनको जो सपोर्ट, उनको बूस्ट किया, एंकरेज किया, उनको भी साथ, और जो ऑर्गेनाइज टीम है उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ। खासकर स्पेशली मैं निर्वा केंद्र को सहयोग, उनका जो पूरा टीम है, गोपाल सर है और उसके बाद सुनीता मैडम है, और सबसे बड़ा है इस जो अंडमान महिला मंडल के जो अध्यक्ष, उनका सहयोग, सपोर्ट और उनके जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने इस जगह दिया सेलेक्ट करके। और साथ ही साथ हमारा ये आने वाले प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए हमारे एक चौकआउट प्रोग्राम करके रखे हैं। आए दिन एक ना एक दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेगा। और यही शब्दों बोलने चाहते हैं कि एक मैसेज जाइए कि हम टूरिज्म में क्या कर सकते हैं और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते, कैसे इसको करते, बच्चे लोग भी सीखे कि टूरिज्म अंडमान में कैसा चल रहा है, उनको पेरेंट्स लोगों को बता सकते हैं। तो इन लोग चित्र के माध्यम से आज इन लोग को बताने का मौका मिला है। और सारे में जितने भी मेरे मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद करूँ, उनके भी बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो स्पेशल थैंक्स उनको भी, क्योंकि उनको बच्चे लोग को भी मोटिवेट किया। यही बात बोलकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी का नमस्कार। वर्ल्ड टूरिज्म डे का अवसर में आपको ये आप सभी के यहाँ पर आमंत्रित किया गया। तो मैं सबसे पहले आज के जो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमारे श्री एस रामाकृष्णन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म, मैं इनको
इसके पश्चात हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर श्री देवदत्त पाई सीनियर साइंटिस्ट जोरदार ताली से स्वागत करने कहूँगा आपको। हमारे बीच स्पेशल गेस्ट श्री डॉक्टर सुभाष पालवे जी सीनियर हमारे बीच बैठे हैं श्रीमती सरसना प्रभाकरण जी गेस्ट काउंसलर स्वागत करिए। साथ में हमारे बैठी है डॉक्टर सुनीता पाटिल उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमें बहुत सारे यहाँ पे सीधा मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बहुत पैसा देते हैं जिससे हमारा इनकम होता है, जिससे बहुत सारे लोगों का घर चलता है और बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशंस बना लिए हैं उसको, क्योंकि सबको सरकार नौकरी तो दे नहीं सकता है, इतने सारे नौकरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने रोजगार और अपने स्वावलंबी होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारे पास बहुत सुंदर आइलैंड्स हैं, यहाँ पे एक से बढ़ के एक आइलैंड है। तो हमारा ऐसे यूथ हमारा ऐसे यंगस्टर्स हम इसी कोशिश पर रहेंगे कि साफ़ सुथरा रखें, आइलैंड्स को बहुत अच्छे तरीक़ा से रखें। संडे के दिन जैसा हमारे नाबार्ड के साइंटिस्ट बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपना छुट्टी का दिन निकाल के यहाँ पे एक क्रिएटिव चीज़ के लिए आगे आए, इसके लिए बहुत एक अच्छा चीज़ होता है, इनको भी मौका मिला भाग लेने का। मैं सब बच्चों को बधाई देता हूँ, साथ साथ में टूर ऑपरेटर्स को भी बधाई देता हूँ, उन्होंने भी अपना समय निकाला और यहाँ पे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सब यहाँ पे एकत्रित हुए। सिमसन जी से मेरा पुराना पहचान है, वो काफ़ी एक्टिव हैं और NYK के ये भी इनको मैं देखते रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ का प्रोग्राम चलते रहता है। सबको मैं दोबारा एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सच बोलने से आज मुझे बहुत बहुत गर्व है, ये अंडमान महामंडल का बिल्डिंग है। अंडमान निकोबार आइलैंड में ओनली वन एंड ओनली अंडमान महामंडल यही है, दूसरा कोई महामंडल नहीं है। बहुत पहले था लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। ये बिल्डिंग अंडमान महामंडल का बिल्डिंग में अंडमान महामंडल के सेक्रेटरी डॉक्टर सुनीता पटेल का दिल दिमाग में ये जगह चुना, उसके लिए उसको धन्यवाद करती हूँ। Simpson sir to organize such a wonderful program. I'm very happy to see the kids, just to feel how they are enjoying the situation, to motivation. That's tourism and peace, that's the theme for this year, World Ocean Day. So I'm happy to see all your members and respected guests. From the Ministry of Tourism, I congratulate that टूरिज्म एंड पीस, इसका अगर कोई क्रेडिट ले सकता तो पूरा भारत में सबसे पहला जो जगह मिलेगा अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार में ये दोनों चीज़ यहाँ पर पाया जाएगा। यहाँ पर टूरिज्म में इतना बड़ा पीस है, क्योंकि टूरिज्म जो एकमात्र इंडस्ट्री है यहाँ पर, इसी से कई लोगों का रोजगार, कई लोगों का परिवार, यहाँ पर जो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा अगर कोई GDP है तो ये टूरिज्म सेक्टर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर, सभी जो अंडमान निकोबार में आप लोग से जुड़े हैं, क्योंकि टूरिज्म को हम ऐसा काम करें जैसे टूरिज्म से लोगों का आमदनी बढ़े, उनका परिवार का विस्तार बढ़े, उनका परिवार से और भी दूसरे विभाग डेवलपमेंट करें, तो बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पर आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला हमारे पास में फीस का जरूरत है, जो फीस अगर जहाँ पर कोई जगह पीस है तो वहाँ पर टूरिज्म सक्सेस होगा। डॉक्टर सुनीता पाटिल से निवेदन करूँ कि बच्चों को प्राइज देंगे, फिर हम हमारा चीफ महोदय आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। कार्यक्रम के जहाँ पर भाई मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे आपके मुख्य अतिथि महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशल गेस्ट और सरसना मैडम जी, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सिमसन जी को और उनके पूरे टीम को, ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। जय जीत से एक बार धन्यवाद देता हूँ, आप सभी जोरदार एक बार खाली हो जाए। और मैं हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स,
उनके पेरेंट्स सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बच्चों को इंकरेज करने के साथ साथ यहाँ पे आके खुद यहाँ पर बैठ के कार्यक्रम को फुल टाइम यहाँ पर बैठे रहे। तहे दिल से उनका धन्यवाद। मैं डॉक्टर संगीता पाटिल जी को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पे महिला मंडल जितना भी एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स है तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस स्पेस को दिया है वर्ल्ड टूरिज्म डे इस अवसर पर आज के कार्यक्रम में पेंटिंग ऑन ड्राइंग कम्पिटिशन यहाँ पर सामान पर करते हो। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। जैसे हमारे वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम किया है, पिछले बार भी हमने किया था, काफ़ी स्कूल्स को हमने ज्वाइन किया था तो काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए। इस बार भी मैं जो हम बहुत खुश हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए, हमारे मेंबर्स के जो बच्चे हैं उन्होंने भी स्पेशली पार्टिसिपेट किए हैं। धन्यवाद सर। तो अभी हम बात करेंगे नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर इंचार्ज श्री गोपाल चंद्र विश्वास जी से, जानते हैं आज के इस विषय में इनका क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। सभी का नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर में यहाँ पर बच्चों का एक पेंटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो हमारा उद्देश्य बच्चों के माध्यम से टूरिज्म सेक्टर अंडमान निकोबार कैसे डेवलपमेंट करना, यहाँ का टूरिज्म इसीलिए डेवलप करना जरूरी है क्योंकि यहाँ का जो यंग जनरेशन है उनको एक तो उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करेगा। बच्चों के माध्यम से एक मैसेज जा रहा है कि सभी समाज के माध्यम कि आप लोग हमारे क्षेत्र के एक जो ग्रीनरी है एनवायरनमेंट को बचाते हुए इको टूरिज्म को डेवलप कैसे आगे करेंगे उस विषय में आपको चिंतन करना है और इसके साथ जुड़ना है ताकि हमारा समाज का और यहाँ का जो अंडमान निकोबार का युवाओं का विकास है वो संभव हो पाए। नेहरू युवा केंद्र हमारा कार्य है सर्वांगीण विकास, युवाओं का ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ है। इसमें आपका एज ग्रुप 15 साल से लेकर 29 की जो एज ग्रुप युवा है उनका हम हर तरह का विकास करने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ ये पेंटिंग कंपटीशन करवाने के लिए उनका सहयोग मिला। आगे चल कर मैं निवेदन करूँगा कि आप हमारा नेहरू युवा केंद्र के साथ हमारा जो युवा वर्ग है युवा वर्ग के बीच में उनका उन्नति के लिए आप हमेशा आगे आए, हम आपका सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर।